दो दिन हो रहा है मैं बाइक चला रहा हूँ, तो रात को ना आजकल परेशान सा रहने लग गया था मैं। फिर ना कोई गाना अच्छा लग रहा है ना कुछ। मैंने हेडफोन तो लगा हुआ है मेरे कान पे, लेकिन गाना ना सुनने में मज़ा नहीं आ रहा आजकल। गाने में ना एक फीलिंग होता है, जोश होता है, वो जोश नहीं मिल रहा है, तो इसलिए गाना भी नहीं सुन रहा हूँ। मैंने सोचा क्या करना है, एक काम करते हैं, हेलमेट लगा लेते, मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, बस हो जाएगा काम। कभी करीब तो हमेशा साथ है, ऐसा जन्म भी देख लो तेरा आस्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, मैं हूँ, हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, क्या हाल। हेलो, अबे यार भूल जाता हूँ कहाँ से क्या शुरू करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पागल बना रखा है यार यूट्यूब वाले ने भी, इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा वो है। अबे तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है, चलो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया था। इंट्रो जो है ना वो सीख लूँगा धीरे धीरे, अभी इंट्रो नहीं आ रहा है मुझे, इंट्रो बोलना नहीं आ रहा है, तो मैं सीख लूँगा। तो मैं हूँ अभी, मैं कहाँ हूँ अभी, मैं हूँ इस टाइम दिल्ली की सियर पार्क एरिया में, सियर पार्क, चितरंजन पार्क, जो बंगाली मार्केट के नाम से बहुत लोग जानते हैं इसे, साउथ दिल्ली में पड़ता है ये। और मैं यहाँ पे अपना काम था कुछ, उस काम को ख़त्म करके निकल चुका हूँ। टाइम हो रहा है रात की 1:15-20, और मैं इस टाइम सियर पार्क की 1 मार्केट में हूँ। ये रहा मेरे सामने 1 मार्केट, और मुझे जाना है अपने घर। क्या हो गया, क्यों परेशान है। तो ये है 1 मार्केट, और मैं यहाँ से जाऊँगा सेयर पार्क से अपने घर की तरफ, मतलब मालवीय नगर। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज ना मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों, क्योंकि आज मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा पूरा हो गया, और मेरा टारगेट भी पूरा हो गया, मेरा अच्छा ऐसा इनकम भी हो गया आज के डेट पे, तो मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरा जो था ना इनकम बहुत ही कम था, और बहुत परेशान था, बहुत टेंशन हो रहा था, मतलब इधर उधर की मतलब बहुत सारे बकचोदी बातें, बातचीत, इधर की बातें उधर से, उधर की बातें उधर से। आज मैं ना शांत हूँ, आज मेरा माइंड में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आज आराम से हूँ। बाकी आज मैं बिल्कुल आराम से ज़िंदगी काट रहा हूँ, आज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना ये रोड है, ये जो रोड है इस पर काम चल रहा है, ये देखो लेबर लोग रात को काम कर रहे हैं, इसको रिपेयर हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये हमारे यहाँ में जो फ्लाईओवर है ना, चिराग दिल्ली का फ्लाईओवर, जो रास्ता आपको बताता हूँ नेहरू प्लेस से लेके जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, उसी रोड पे हूँ मैं अभी। ये देख रहे हो कितना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ा रखा है, पूरा रेनोवेशन चल रहा है इस रोड का, और सामने का फ्लाईओवर बंद कर दिया। इतना ज़्यादा जाम है कि क्या बताओ, परेशान हो रखा है बंदे यहाँ पे। पूरा साउथ दिल्ली ना इस फ्लाईओवर के चक्कर में, पूरा साउथ दिल्ली में जाम है, पूरे दिन रात के 10-11 तक जाम लगा रहता है। तो मुझे अभी जाना है चिराग दिल्ली, जो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है चिराग दिल्ली का, उसी रोड पे जाना है मुझे, लेकिन वो फ्लाईओवर जो है वो बंद है, तो मुझे नीचे से जाना पड़ेगा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राके और गाड़ियाँ फंसे हैं, तो उसी के बीच में से निकालते हुए मैं जो जाना पड़ेगा। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ सावित्री फ्लाईओवर, जो सावित्री सिनेमा हॉल के पास है, यहाँ पर पहुँच चुका था। तो बात ये है ना कि रात को ना मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत दिन हो गया मैंने ड्राइविंग नहीं करा, 2 हो रहा है मैं बाइक चला रहा हूँ, तो रात को ना आजकल परेशान सा रहने लग गया था मैं। फिर ना कोई गाना अच्छा लग रहा है ना कुछ। मैंने हेडफोन तो लगा हुआ है मेरे कान पे, लेकिन गाना ना सुनने में मज़ा नहीं आ रहा आजकल। गाने में ना एक फीलिंग होता है, जोश होता है, वो जोश नहीं मिल रहा है, तो इसलिए गाना भी नहीं सुन रहा हूँ। मैंने सोचा क्या करना है, एक काम करते हैं, हेलमेट लगा लेते, मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं,
बस हो जाएगा काम। ये देख रहे हो ये वाला फ्लाईओवर जो है ना ये बंद है, और यहाँ पे देखो किससे कैसे कैसे ट्राके खड़े हैं। अब मुझे इसमें से निकालना तो पड़ेगा भाई, इसमें इस जाम में तो नहीं फंस सकता ना मैं, मुझे कहीं ना कहीं से तो चिप चाप के निकालना ही पड़ेगा पेल पाल के। ये लो एक तो क्रॉस कर दिया, अब आगे देखते हैं कहाँ तक जाम। जाम अभी जो है ना बहुत कम हो गया, दिन में बहुत लंबी लाइन लगती थी, बहुत लंबे लंबे लाइनें, तो ये चीज़ जो है ना ख़त्म होने वाला है। बस मैं आके यहाँ पे फंस ही गया क्या? नहीं फंसने तो नहीं दूंगा मैं, इधर से निकाल लूँगा, इधर साइड में से जगह है। ये देखो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, पूरा साउथ दिल्ली परेशान है इस फ्लाईओवर के काम से। अब यहाँ पे तो रुकना ही पड़ेगा ना। सामने दो ऑटो आ गया, ये दोनों ऑटो नहीं आता ना फिर अब तक मैं निकल सकता था। चलो रेड लाइट जो है खुल गया, चलो चलो चलो, नहीं तो फिर फंस जाओगे। रात की 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, देख रहे हो अभी भी ट्रैफिक जाम। ये है दिल्ली, और मैं इस टाइम पहुंच चुका हूँ चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे, और यहाँ से मुझे मेरा घर जो है ना 1 किलोमीटर भी नहीं है, 500-700 मीटर दूरी पे है, 700-800 मीटर दूरी पे है। ये देखो रेड लाइट हो ही गया, मैंने बोला था कि रेड लाइट हो जाएगा निकल लो जल्दी, बंदा निकलने की तैयारी नहीं करता है। अब क्या करेंगे, रेड लाइट जंप तो करनी पड़ेगी भाई, रात की 1 बज रहा है यार, जाम में कौन फंसा रहेगा, ट्रैफिक होगा तो होगा भाई, चलान तो ऐसे इतना आ रखा है। अब एक और आ जाएगी भाई, अगर इसमें भी चलान काटने लग जाए तो आने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अब भर देंगे एक दिन। हो के भी करीब तू, भाई देखो गाना नहीं गा सकता, गाना तो मन में आ रहा है लेकिन गा नहीं सकता, क्योंकि गाने पे कॉपीराइट आ जाता है ना, अब लोगों की गाना गाऊंगा कॉपीराइट आएगा फिर क्या बोलेगा, इसीलिए गाना नहीं गाऊंगा। और मैं लंबा घूम भी नहीं रहा हूँ, यहाँ से चुपचाप मैं अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ यार, मुझे पास ना मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है जो बात है, इसीलिए मैं ये देख रहा हूँ APJ वाला कट है, APJ वाला स्कूल की जो लेन जाता है इसी लेन पे मैं एंट्री कर चुका हूँ, और सामने आंटी की दुकान है, भैया से कुछ ले लेता हूँ यार। एक एडवांस, तो वह यार गड्ढा। तो दोस्तों मैंने ये चाय की टपरी से जो मुझे सामान लेना था वो मैंने सामान ले लिया, और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। ये जो रास्ता है ना ये बड़ा शांति वाला रास्ता है, इसमें जाम कम होता है, और दोनों इस तरफ वो है नाली है, नदी नहीं है नाली है नाली, और राइट साइड में पार्क है, तो यहाँ पे ना थोड़ा शांति वाला जगह है। एक बात तो है यार, बाइक चला, बाइक ना थोड़ा हैवी इंजन चाहिए यार, ये इंजन जो है ना थोड़ा, ये स्प्लेंडर लवर नहीं है, ये स्प्लेंडर लवर बोलते हैं ना, स्प्लेंडर लवर वर कुछ नहीं है, ये कमजोरी है लोगों की, कमजोरी गरीबी है, स्प्लेंडर कोई वो नहीं है, ये गरीबी है इसका कोई। मैं आप भी मुझे पता चला, पहले लगता था कि हाँ भाई स्प्लेंडर तो मज़ेदार बाइक है यार, चलाऊँगा पेट्रोल खर्चा कम, ये गरीबी है, स्प्लेंडर नहीं है, ये है गरीबी, जो गरीब है उसी के पास स्प्लेंडर है। तो भाई लोग स्प्लेंडर तो अब और लेना नहीं, जो ले लिया इसी को ख़त्म कर दूंगा, इसके बाद स्प्लेंडर नहीं, हो सके तो मैं इसे बेच भी दूंगा, अभी तो बेच नहीं सकता, बेचना नहीं है घर पे खड़ी कर दूंगा यार, घर पे 3-4 बाइकें हैं तो ये भी खड़ी रह जाएगी, बेच के क्या मिलेगा, 10-20-25 हज़ार रुपये मिलने हैं, 1,00,000 रुपये की गाड़ी है, 20-25 हज़ार रुपये के चक्कर में कौन बेचेगा। एक तो हमारे दिल्ली सरकार जब काम करना चाहिए तब करता नहीं है, जब काम करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम यहाँ पे खोद देता है। हर दिल्ली की ये तो चोद है, हर गली में पहले रोड बनाएगा फिर
आज रोड बना के ख़त्म कर दिया, दो दिन बाद कोई आ जाएगा फावड़ा चलाने आके, इनको इनकी ऐसी तैसी कर देते। देख रहे हो रोड, तीन दिन कल दो तीन दिन से ठीक हुआ, पहले ना यहाँ पे पूरा नाला खुदा हुआ था, पैदल चलने में भी डर लगता था कि गड्ढे में घुस जाएगा कोई, इतना खतरनाक था। तो जो भी है जैसे भी है तो अपने ही गली में ना, अब इसको कुछ कर नहीं सकता। तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने एरिया, ये होता है ना एरिया, तो अपने एरिया में पहुंच चुका हूँ। बस अपने एरिया में ना थोड़ा सा डर इस वजह से इसका लगता है, यहाँ पे ना दो तीन कुत्ते हैं जो साला पीछे पड़ जाता है। अब कुत्तों से तो बचना पड़ेगा ना भाई, कुत्ता काटता है ना तो हॉस्पिटल में भाई एक हफ्ते तक लाइन लगानी पड़ती है, रोज एक हफ्ते में अरे 10 या 15 इंजेक्शन लगती है। ये तो अपना जानने वाला है, ये कुछ नहीं कहता। तो ये देखो खचड़े उचड़े के कचड़ा उचड़ा फेंक रखा है पूरा गली में, और मैं पहुंच गया अपने घर। ये इसको डबल स्टैंड ही लगा दो, अब रात को कौन आएगा इसको ठीक करने। चलो सब घर पे ही है और मैं भी आ जाता हूँ।